चौथे टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हनुमा विहारी और अब टीम के स्टार ऑलराउंडर जडेजा ब्रिस्बेन टेस्ट से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी। बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा, बॉर्डर गावस्कर टेस्ट के तीसरे दिन जडेजा के बाएं अंगूठे में चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें स्कैन के लिए ले जाया गया, मगर अब रिपोर्ट में पता चला है कि उनका अंगूठा उखड़ गया है। बता दें कि 15 जनवरी से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच खेला जाना है। ऐसे में विहारी के विकल्प के तौर पर रिद्धिमान साह को विकेट कीपर के रूप में और ऋषभ पंत को बल्लेबाज के तौर पर उतारा जा सकता है, या मध्यक्रम में मयंक अग्रवाल को जगह दी जा सकती है। वहीं मयंक अग्रवाल को भी चोटिल होने की खबर आ रही है। वहीं ब्रिस्बेन में जडेजा की जगह शार्दुल ठाकुर भी ले सकते हैं। जडेजा से पहले विहारी भी चोटिल होकर चौथे टेस्ट मैच से बाहर हो गए। इंग्लैंड के खिलाफ भी उनके खेलने पर संशय है। बीसीसीआई के एक सूत्र की माने तो यहाँ पर भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। जसप्रीत बुमराह के भी टीम से बाहर होने की खबर आ रही है। बता दें कि विहारी अगले मैच तक फिट नहीं हो सकेंगे, जो 15 जनवरी से शुरू होना है। सूत्रों की माने तो स्कैन की रिपोर्ट आने के बाद ही विराट की चोट के बारे में पता चलेगा, लेकिन ग्रेट वेन चोट पर होने पर उन्हें 4 सप्ताह तक बाहर रहना होगा और उसके बाद रिहैबिलिटेशन से गुजरना होगा। सिर्फ ब्रिस्बेन टेस्ट ही नहीं बल्कि इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू श्रृंखला से भी हनुमा विहारी बाहर हो सकते हैं। बड़ी बात यह है कि हनुमा विहारी ने शानदार तरीके से अश्विन के साथ टेस्ट मैच बचाया था। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय टीम को बड़ा झटका यहाँ पर लगता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन टेस्ट मैच 15 जनवरी से खेला जाना है, लेकिन उससे पहले भारतीय टीम के खिलाड़ियों की चोटों ने सिरदर्दी बढ़ा दी है और कतार हो गई है काफी लंबी। पहले मोहम्मद शमी, फिर उमेश यादव, फिर रविंद्र जडेजा, फिर मयंक अग्रवाल और अब हनुमा विहारी। ऐसे खिलाड़ी यहाँ पर अगर नहीं खेलेंगे तो भारत चौथा टेस्ट मैच कैसे बचाएगा, ये देखने वाली बात। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।